बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पंजाब पुलिस रिटर्न टेस्ट की तैयारी में बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, ही डिसाइडेड टू डैश एग्जामिनेशन, ही डिसाइडेड टू टेक द एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक वर्ब इस्तेमाल हो चुकी है, दूसरी के साथ हम कुछ ऐड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर टू है, ही ऑलवेज डैश बैक होम लेट। तो यहाँ पर हम किसी की आदत को बता रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट लगता है, तो यहाँ पर हम जो हमारा बी ऑप्शन है कम्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, शी डैश एप्पल्स, ये भी किसी की हम हैबिट को ज़ाहिर करते हैं, किसी के नेचर को, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस आएगा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं लाइक्स, शी लाइक्स एप्पल। क्वेश्चन नंबर फोर है, दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हैव डन, दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क, इसका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ हमेशा इज़ लर्निंग आता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर हम सिंपली इज़ लर्निंग लगाते हैं और इसका भी जो ऑप्शन है करेक्ट है, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ही डैश द ट्रुथ। यहाँ पर हम किसी की सिफत बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो यहाँ पर हम ही के साथ एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ करते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्पीक्स, ही स्पीक्स ट्रुथ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, दी गर्ल्स आर डैश नेटबॉल। आर के साथ हमेशा हम लगाते हैं आई एन जी फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा दी गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर एट है, दे हैव डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर आता है दे हैव बीन लिविंग, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर टेन है, रिक्शा इज़ नॉट डैश दिस वे। तो यहाँ पर पहले इज़ आ चुका है, तो हम सिंपली इसके साथ आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा कमिंग, सी एस का राइट ऑप्शन है, रिक्शा इज़ नॉट कमिंग दिस वे। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, दे डैश फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई डैश वाचिंग टीवी सेंस 7 PM। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ पर आएगा है आई के साथ हमेशा है होता है, आई हैव बीन वाचिंग टीवी सेंस 7 PM, तो इसका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर। इस तरह का सेंटेंस पहले भी आ चुका है, तो हमने उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी, ऑलरेडी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा पोस्टेड, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, इसका भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही डैश टू स्कूल डेली। वो रोज़ाना स्कूल जाता है, ही गोज़, ये सिंपली प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, हम किसी की आदत को ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सिंपली आएगा गोज़। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर दे डैश इडल। तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं कि आर आ चुका है, तो हम इज़ एम आर के साथ हमेशा आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिटिंग, आर दे सिटिंग एडल, सी एस का राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।